बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फजल बील यूट्यूब चैनल और फजल बील आप सबको वेलकम करता है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई अपडेटेड वीडियो लेकर आए हैं जो कि वाकई नई है यूट्यूब के हवाले से। यूट्यूब की 4 न्यू अपडेट्स आई हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब जो है हर हफ्ते जो है वीकली बेसिस पे वो कोई ना कोई अपडेट लाता रहता है, वो अनाउंस करता रहता है। तो अब भी जो है 4 न्यू अपडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है यूट्यूब की टीम की तरफ से। और उन यूट्यूब की अपडेट्स के बारे में हम आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे पूरा कौन कौन सी हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और हमारा दूसरा चैनल फजल करियर एंड एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उस पर अपलोड होने वाली एजुकेशन, करियर और टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो बात शुरू करते हैं जी यूट्यूब अपडेट्स की। YouTube जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपडेट्स लाता रहता है, साल शुरू होने पे अपडेट्स लाता है, महीना शुरू होने पे लाता है, वीकली बेसिस पे। तो अपडेट्स नॉर्मल रूटीन है उनकी, वीकली बेसिस पे अपडेट्स आती रहती हैं। तो इस हफ्ते भी कोई 3-4 अपडेट्स आई हैं, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। पहली अपडेट तो ये आई है कि जी पहले आपको जो कम्युनिटी में दिया जाता, कम्युनिटी टैब जो होता था एक यूट्यूबर का, जिसमें वो पोस्ट शेयर करता था, स्टोरीज शेयर करता था, उस में उसी कम्युनिटी टैब में जो है वो यूट्यूबर को देखने, चैनल ओनर को देखने को मिलता था कि जी कितने लाइक हुए, कितने डिसलाइक हुए, कितने व्यूज़ हुए, कितने कमेंट्स हुए, ठीक है। अब जो है यूट्यूब स्टूडियो में उस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि आप कम्युनिटी टैब के साथ साथ यूट्यूब स्टूडियो पर भी, जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपको कंटेंट पे क्लिक करें, कंटेंट पे क्लिक करने पर वीडियो के जो एनालिटिक्स नज़र आते हैं, वीडियो किस दिन अपलोड हुई, कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ठीक है, किस टाइम पे अपलोड हुई, उसी तरह उसी कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट, स्टोरी या कम्युनिटी टैब के नाम से एक नया ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं भी अभी हुआ तो वो इंशाल्लाह अनाउंस हो चुका है, जो यूट्यूब की टीम ने ऐलान कर दिया है प्रॉपर, तो अब उसको इंशाल्लाह ऐड भी कर दिया जाएगा। तो वो आप कंटेंट में आपको देखने के को मिलेगा जी। आप जैसे वीडियो के एनालिटिक्स को देखते हैं, इसी तरह आप पोस्ट के एनालिटिक्स को उधर भी कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हैं और कंटेंट में भी, यूट्यूब स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट किस टाइम शेयर हुई, किस डेट को शेयर की, कौन सी अभी चल रही है आपकी पोस्ट, कितने लाइक, कितने डिसलाइक, कितने कमेंट्स, कितने व्यूज़, तो ये सब कुछ उधर दिखाया जाएगा। ये थी पहली अपडेट्स। दूसरी अपडेट जो है यूट्यूब की तरफ से वो है जी मोनेटाइजेशन वीडियो फिल्टर वाली, ठीक है। अब मोनेटाइज वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पहले वीडियो देखनी पड़ती थी, ये मोनेटाइज है, ये मोनेटाइज नहीं है, इस पर मोनेटाइजेशन आना है, इस पर नहीं है। अब जब आप वीडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कंटेंट वाले पे, तो उधर आपको ऊपर राइट अपर कॉर्नर पे जो है 3 लाइनें नज़र आती होंगी फिल्टर वाली, ठीक है। उधर आप क्लिक करेंगे तो उधर आपको एक और नया ऑप्शन मिलेगा। पहले कौन सा होता था, न्यू, ओल्ड, मोस्ट न्यू, मोस्ट ओल्ड, इस तरह के 4-5 ऑप्शन थे। अब एक और ऑप्शन उधर ऐड हो गया जी मोनेटाइजेशन वाला या मोनेटाइज वीडियो वाला। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वही लिस्ट शो होगी जो आपकी वीडियो मोनेटाइज है, जिन पे मोनेटाइजेशन ऑन है, ठीक है जी। यानी पहले आपको देखना पड़ता था, 100 वीडियो है उनमें ढूंढना पड़ता था किस पे मोनेटाइजेशन ऑन है, किस पे ऑफ है, ठीक है। तो अब जो है वो सिस्टम नहीं रहा। अगर आपने देखना है मोनेटाइजेशन तो आप डायरेक्ट जो है मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन फिल्टर पे जाके मोनेटाइजेशन वीडियो या मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो मोनेटाइज वीडियो सामने मिल जाएंगी, ठीक है। ये थी दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट जो है जी यूट्यूब की तरफ से वो ये है कि जी मोनेटाइजेशन कुछ और ममालिक में ऑन कर दी गई है। यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो कि अर्निंग से रिलेटेड है, मतलब इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, मोनेटाइजेशन कराएं अपना चैनल की और अर्निंग करें, वो अब कई और ममालिक में भी जो है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी भी नहीं है तो उनमें और लिस्ट शामिल कर दी गई है। और कंट्रीज जिनमें इन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का नाम जो है शो किया है कि वहाँ पे आप मोनेटाइजेशन जो है वो अब चैनल मोनेटाइज होंगे और ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब से उधर भी होगी।
तो इसका मतलब कि आप जो मालिक ऐड हो गए हैं उनके यूट्यूबर भी चैनल बनाए और मोनेटाइज चैनल करा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश श्रीलंका में तो पहले ही जो है यूट्यूब से मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी लाखों की तादाद में डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लोकेशन वगैरह चेंज करते होंगे। अब जो है वो प्रॉपरली जो है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह की जिस मुल्क का रहने वाला है वो लोकेशन डाल के मोनिटाइज करा सकते हैं, ठीक है। अब वो शामिल हो चुके हैं। ये थी तीसरी। चौथी जो है जी यूट्यूब की अपडेट, वो बहुत ही जो है न्यू यूट्यूबर के लिए जो है, अगर वो चाहते हैं कि उनका चैनल जल्दी ग्रो करे, व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी यूट्यूब शॉर्ट्स की अपडेट है। यूट्यूब शॉर्ट्स की क्या अपडेट है जी? यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो पे अपडेट, यानी कि यूट्यूब ने कहा है जी कि टिकटॉक से मुकाबला करना है। जैसे टिकटॉक पे आप देखें 15-15 सेकंड की वीडियो बनती है और कितनी वायरल होती है, मिलियंस में व्यू आते हैं उन पर, ठीक है, कमेंट्स वगैरह ये वो। तो अब यूट्यूब ने जो है बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम भी यूट्यूब शॉर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं, और जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं जी, एक ऑल का होता है, एक गेमिंग का होता है, नाच का या ड्रामा का, मूवीज़ का, इस तरह उन्हीं टैब में से, उन्हीं टैग्स में से, उन्हीं कीवर्ड में आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जो यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अब आप शॉर्ट्स वीडियो बनाएं 1-1 मिनट की, मतलब अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि 4-5 मिनट की, 10 मिनट की, तो उस पर शॉर्ट वीडियो बना दें कि देखें जी मैं फलां फलां जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, काइंडली आप चैनल को विज़िट करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो उसे क्लिक करें और वो वीडियो की तफसीलात और जो भी उसमें बताई गई हैं जिससे रिलेटेड होगी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो YouTube का कहना है जी कि जिसकी भी वीडियो 1 मिनट या इससे कम होगी हम उसे खुद YouTube शॉर्ट्स प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब TikTok से मुकाबला होगा, YouTube का कंपटीशन होगा। तो जो नए यूट्यूबर हैं, YouTube अब खुद भी जो है वो शॉर्ट वीडियो को जो है ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, ग्रो दे रहा है, व्यूज़ दे रहा है, उन्हें जो है सर्च लिस्ट में ला रहा है, ठीक है। तो उन्हें जो है रेटिंग मिल रही है, रेट कर रहा है YouTube उन्हें। तो आप सब यूट्यूबर जो है ना, न्यू यूट्यूबर ख़ास तौर पे, या जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, उन चैनल की मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रही, तो वो शॉर्ट वीडियो पे काम करें। जो भी टॉपिक पे वीडियो डालें ना, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दें। मिसाल के तौर पर अब मैं जो है ये डाल रहा हूँ जी यूट्यूब की अपडेट्स के मुताबिक, तो अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसी पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा जी कि यूट्यूब की तरफ से 4 नई अपडेट्स का ऐलान हुआ है। तफसील देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है, उस लिंक को विज़िट करें, आपको 4 अपडेट्स की तफसील मिल जाएगी। बस ये कोई 30-35-40 मिनट की, और सेकेंड्स की, सॉरी 30-35-40 सेकेंड की जो है वो वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो जो है उसका इंट्रोडक्शन उसका बता दिया जाएगा। इस तरह उस पर भी व्यू आएंगे और जो लोग विज़िट करेंगे आपकी दूसरी इस वीडियो को, इस पर भी व्यू होंगे। तो ये थी अपडेट जो चौथी थी, ये टोटल 4 अपडेट थी, ठीक है। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया आपको, कम्युनिटी टैब वाली कॉन्टैक्ट में अब ऐड कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी अपडेट कौन सी आई है जी, मोनेटाइजेशन फिल्टर ऐड कर दिया गया है। तीसरी कौन सी है जी, मोनेटाइजेशन कंट्रीज जिनमें नहीं थी यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में लिस्ट नहीं थी, जिन ममालिक की, उन ममालिक को भी अब दूसरे कई ममालिक को भी ऐड कर दिया गया है जिनमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दीगर ममालिक शामिल हैं। और चौथी क्या थी जी, यूट्यूब शॉर्ट्स की, ये काफ़ी हेल्पफुल है जो चौथी अपडेट मैंने आपको बताई है। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपडेट्स का भी आपको पता चल गया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली वो यूट्यूबर जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है या नए यूट्यूबर हैं या नए यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए, हमें दो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।